शिव शक्ति धाम बालाजी कॉलोनी फरुख नगर उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे दिग्विजय सिंह चौटाला। आपको बता दें कि समस्त बालाजी कॉलोनी और किन्नर समाज भक्तजनों के द्वारा इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। प्रदेश महासचिव हरियाणा जेजेपी दिग्विजय सिंह चौटाला के पहुंचने पर उनका फूलमाला और बुक्कों के साथ स्वागत किया गया। दिग्विजय सिंह चौटाला को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। उसके बाद दिग्विजय सिंह चौटाला ने शिव मंदिर का रिबन काटकर मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को नमन किया। उसके बाद उन्होंने शिवलिंग पर मत्था टेक कर भोले शंकर का आशीर्वाद लिया और कहा कि फरुखनगर जैसे हरियाणा में लगभग सभी छोटे कस्बों में यह सोचा जाता है कि यहाँ पर लाइब्रेरी बने, वहीं पर कविता जी की सत्संग पार्टी ने भी दिग्विजय सिंह चौटाला का भव्य स्वागत किया और श्री हरि के भजनों से मंदिर प्रांगण को मंगलमय किया। उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी कहते थे, जहाँ देवालय वहाँ पुस्तकालय, जहाँ मंदिर हो वहाँ पर लाइब्रेरी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आप हमें प्रपोजल बनाकर दो, हम कोशिश करेंगे आपके मंदिर के साथ बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी का भी आयोजन किया जाएगा। छोटे कस्बों में एक नई सोच है ई लाइब्रेरी का। एक बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि जहाँ देवालय वहाँ पुस्तकालय, जहाँ मंदिर हो वहाँ ई लाइब्रेरी जरूर हो। आप इसका प्रपोजल बना के दो, हम कोशिश करेंगे कि आपके मंदिर के साथ में बच्चों के पढ़ने के लिए ई लाइब्रेरी बनवाने का। ऐसे ही इस नेक नियत की सोच पर जो है ना आगे बढ़ेंगे और भगवान का आशीर्वाद और भगवान के रूप में जनता के आशीर्वाद से जो नेक नियत के काम है, चौधरी देवीलाल जी के अधूरे स्वप्न है उनको साकार करने का काम करेंगे। जैसे आपने जो मुझे सहभागी किया कि पगड़ी दी, मैं दूसरा ही कहूँगा कि हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी की पगड़ी को निशक चौटाला आपका लाड़ला कभी झुकने नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।